गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के ऋषि बाजार से, जहां पर सीआरपीएफ के जवान जो कि मामूल पर यहां पर तैनात थे, उन पर मिर्ची फेंककर राइफल छीनने की कोशिश की गई, जिस कोशिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम बना दिया। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर वो मिर्ची जो जवान पे फेंकी गई है, वो यहां पर आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरह से ये कोशिश जो है वो की गई है। लेकिन इस वक्त जो इस इलाके को कुछ देर पहले हालांकि अनंतनाग पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने कॉर्डन में लिया था और जिसने कोशिश की थी उसको पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन तस्वीरों में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो कि मामूल के मुताबिक यहां पर ड्यूटी दे रहे थे कि अचानक जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इन पर मिर्ची फेंकने की कोशिश की, जिसको सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम बना दिया है। और यहां पर कुछ देर पहले जिस तरह से अनंतनाग पुलिस सीआरपीएफ जो है वो यहां पर पहुंची थी, सीआरपीएफ के डीआईजी जो है वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर खुद जवानों के साथ बात भी की। तो तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग का मशहूर तरीन बाजार जो कि ऋषि बाजार के नाम से जाना जाता है, जहां पर कुछ देर पहले, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले यहां पर जो सीआरपीएफ का जवान जो कि यहां पर ड्यूटी पर था उसको यहां पर तो उस पर मिर्ची फेंकी गई थी, जिसके बाद जो यहाँ पे जवान थे उन्होंने उसको नाकाम बना दिया है। आपको एक बार फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये है ऋषि बाजार का इलाका जहां पर सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया था।